ऐसा है कि राजभर जी जीतने के बाद 4.5 साल बाद हमारे गांव में दिखाई दिए हैं जी। ना उनको ये सुध था कि गोसलपुर में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, कोई गरीब मर रहा है, जी रहा है, कोई आपत विपत कुछ भी हो, उसमें ये 4.5 साल दिखाई नहीं दिए हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो ये चुनाव में दिखाई देने लगे, अब दौड़ने लगे वोट के लिए। अच्छा, ऐसा कभी मतलब पिछले नेताओं ने भी आप लोगों के साथ मतलब ऐसा बर्ताव रखा है? ये हर समय होता है। हमारा जो है गांव जिला जो है गाजीपुर का जो है सबसे लास्ट बॉर्डर हो जाता है जी, और जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, जो हमारे सांसद विधायक मंत्री जो भी हैं, ये लोग हम लोगों को पाकिस्तान का जो है गाँव समझ लेते हैं कि हम लोग भारत में नहीं है। इस तरह से इस गोसलपुर के साथ व्यवहार होता है। वैसे आप लोगों की मांग क्या थी वैसे गाँव की, कि ऐसे क्या मांग थी जिससे वो? नहीं, मांग नहीं थी, हम लोगों का एक सवाल था कि आप 4.5 साल बाद क्यों आए हैं हमारे गांव। अच्छा अच्छा। और उसके जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, हाँ, ये गठबंधन को आपने वोट दिया है। तो इसका हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ लगा। हाँ, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने गठबंधन को वोट दिया था या ओम प्रकाश राजभर जी? नहीं नहीं, हम लोग गठबंधन को तो वोट दिए, लेकिन विधायक कौन बना? मैं पूछता हूँ कि गठबंधन को वोट दिए हम लोग तो विधायक कौन बना? ओम प्रकाश बने या अटल जी बने या मोदी जी बने? विधायक तो ये ओम प्रकाश राजभर ही है ना जी, जी। मैं उसी से सवाल जवाब करूंगा ना, या दूसरे से सवाल जवाब करूंगा? ऐसे विधायकों से मैं जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसे विधायकों से आप लोग सावधान रहिए, किसी भी पार्टी से ये गठबंधन करके आ जाएंगे और आने के बाद जो है आप जब काम के लिए जाएंगे तो ये कहेंगे कि आपने हमको वोट नहीं दिया, गठबंधन को वोट दिया है। ये तो एक बहुत बड़ा जो है कमीनागिरी बात किया है ये विधायक। ये विधायक को ऐसे जो है ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए हम लोगों का। गठबंधन के नाते वोट दिए थे भैया, गठबंधन के नाते वोट दिए थे तो दिए थे ना आपको? गठबंधन को वोट दिए थे, हमको नहीं दिए थे? हम नहीं दिए, हमको गठबंधन को दिए हैं। आप तो आप भी गांव में आए, 10 लाख का काम हुआ है, कौन नेता है जो देता है बताओ? काम आपके गांव में नहीं हुआ है। आज मैं 4 दिन से लगातार अपनी विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, पानी का प्रकोप है, चाहे वह सिधागर घाट हो, चाहे पाली हो, चाहे नसीरपुर हो, चाहे चाँडी हो, चाहे गोसलपुर हो, मैं घूम घूम करके उन इलाकों में जो गरीब कमज़ोर पिछड़े दलित वंचित लोग हैं, वही लोग ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो उन लोगों को राशन और जो हमसे व्यवस्था हो सकती है मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। उसी बीच कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और गौसलपुर में मैं बिंद बस्ती में बैठा था, तो वो लोग कहें कि यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारे बस्ती में चलिए, यहाँ पानी बुरा हुआ, यहाँ क्या बैठे हैं? कि भाई हम बाढ़ में इन लोगों के बीच में आए हैं और बाढ़ का जायज़ा ले रहे हैं। तो ये बात उन लोगों को नागवार लगी और शरारत करने लगे। हम कहे भैया जाओ, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, पहले यहाँ देख लेंगे, उसके बाद तो जाएंगे। तो लोग चले गए, तो जा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काला झंडा, हम लोग आ रहे थे तो काला झंडा दिखा रहे थे, इनकी ये बौखलाहट दिख रही है, अब इनकी सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, अगर बोल रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। अगर वही वंचित पिछड़ा दलित होता जो लखीमपुर की घटना में अगर इन्वॉल्व होता तो तुरंत गिरफ्तारी यही पुलिस करती, यही सरकार कराती। लेकिन अजय मिश्रा हैं, मंत्री के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी आज 5 दिन के ऊपर हो गया और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और आए दिन फर्जी तरीके से गरीब कमजोर वंचित समाज के ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को दबाने की कोशिश हो रही है। चाहे बलिया में पाल की हत्या के बाद अपराधी को बचाने में सरकार लग गई, हाथरस में बेटी की रेप हुई, 12 बजे लाश जलाई,
सरकार ने और अपराधी को बचाने का काम किया। ज्वलंत लखीमपुर की घटना देखिए, आज 5 दिन के ऊपर हो गया और अभी अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये पिछड़े दलित वंचित समाज को लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इसे सरकार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के